सर्दी खांसी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है छोटे फल बच्चों में के होता लिए। है बहुत सारा फाइबर जो कि डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भूख नहीं लगती, मेरा बच्चा अच्छे से खाता नहीं है। तो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपिका मॉम कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं जायफल के बारे में। जायफल बेसिकली एक मसाला होता है जो कि इंडियन किचन में आसानी से मिल जाता है। इसे हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बच्चों को जायफल क्यों देना चाहिए, जायफल कब किस एज से देना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट में किस एज से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो आफ्टर 6 मंथ जब हम बच्चों को सेमी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसी टाइम हम उन्हें जायफल खिला सकते हैं। जायफल के बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा ही हमें बच्चों को खिलानी है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब भी हम बच्चों को खिलाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो 2 दिन 4 दिन तक उसे देखना चाहिए कि उसे कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, कहीं इससे उसे एलर्जी तो नहीं हो रही है। तो जायफल आफ्टर 6 मंथ आप बच्चों को आसानी से इजीली बिना कोई डाउट के खिला जायफल कैसे खिला सकते हैं, तो आप जायफल को पाउडर कर दूध में मिक्स करके, या फिर आप बच्चों का खिचड़ी बनाते हैं, पुलाव, दलिया, सूजी की खीर, उपमा, ये सब बनाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा पाउडर डाल के जस्ट बच्चों को खिला सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही जस्ट बच्चों को चटा सकते हैं। तो ये उसके बहुत सारे बेनिफिट्स देगा बच्चों को। आगे हम जानेंगे कि इसे खिलाने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जायफल में होता है बहुत सारा फाइबर जो कि डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए बच्चों को जायफल खिलाना चाहिए। इससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहता है, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ तक वो सिर्फ दूध में रहता है, तो आफ्टर 6 मंथ हम बहुत सारी चीज़ें उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जायफल एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है जो आप उसे रोज दे और उसे बहुत हेल्प करेगा, उसके पेट को सही रखेगा, उसे गैस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका पेट क्लियर रहेगा, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं कि जायफल खिलाने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहला है सर्दी खांसी। बच्चों को जब भी सर्दी खांसी होती है तो जो हमारे नानी दादी है वो हमें ज़रूर से कहते हैं कि जायफल खिला दो, जल्दी से ठीक हो जाएगा, जायफल चटा दो बस बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो उनकी बातें कहीं हद तक सही भी है। हमें जायफल को बच्चे को चटा सकते हैं, या फिर माँ के दूध में उसको मिक्स कर दीजिए, या फिर आप जो फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं बच्चों को उसमें हल्का सा मिक्स करके दे सकते हैं, क्योंकि इसमें गर्माहट होती है, तो जो बच्चों को अंदर से मिलती है तो उनकी सर्दी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। सर्दी खांसी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है छोटे बच्चों के लिए, तो अगर हम ये मसाले बच्चों को खिलाएं बहुत कम क्वांटिटी में, मैं फिर कहूँगी कि बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी बच्चों को नहीं देनी है, तो सर्दी खांसी बहुत जल्दी तक ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट बेनिफिट है कि बच्चा आराम से सो पाएगा अगर उसे आप रोज जायफल देंगे। यस, हर माँ ये टेंशन में रहती है, मेरा बच्चा सोता नहीं है, सोता नहीं है, तो इससे उसे आराम की नींद आएगी, बहुत अच्छे से नींद आएगी। ये इसके बेनिफिट्स हैं। आप खिलाकर जरूर से देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये असर हुआ आपके बच्चों में कि नहीं। बच्चों को पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और ना हम समझ पाते हैं ना वो छोटा बच्चा बोल पाता है, तो इसलिए बेटर यही है कि हम उसे शुरू से जायफल खिलाएं, जिससे कि उसकी पेट प्रॉब्लम जैसे कि गैस हो गया, डाइजेशन हो गया, लूज मोशंस हो गया, ये सब बहुत कम होगा बच्चों को और बहुत बच्चा हेल्दी रहेगा। एक और इसका बेनिफिट है जो हर माँ ये सोचते रहती है कि मेरे बच्चे को भूख नहीं लगती, मेरा बच्चा अच्छे से खाता नहीं है, तो डेफिनेटली अगर आप बच्चे के डाइट में जायफल इंक्लूड करते हैं तो आपके बच्चों को भूख भी लगेगी और आपका बच्चा अच्छे से खाएगा भी, क्योंकि उसका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उसको अगर सर्दी खांसी है तो वो अच्छा नहीं है, तो ओवरऑल जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो खाने से होता है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि हमें जायफल को बच्चों को क्यों खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जायफल
नहीं खिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बट हाँ, बच्चों की जो जर्नी है उसको ईजी करने के लिए, स्मूथ करने के लिए हमें ये घरेलू रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे की जो जर्नी है बहुत अच्छी रहे, ना कि वो हमेशा बीमार रहे। ऐसी बीमार होते 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 बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपना जो लाइफ है, जो उनकी चाइल्डहुड लाइफ है, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके जो चाइल्डहुड जर्नी है उसको कितना हम स्मूथ कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही टॉपिक्स लेकर आते रहती हूँ, जिससे कि जो भी न्यू मॉम्स हैं उनको हेल्प मिलती है कि वो अपने बच्चों की जर्नी को कैसे स्मूथ कर सकते हैं। तो प्लीज़, यदि आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।